दो साल बाद अमेरिका में फिर से गाड़ियों का मेला नॉर्थ अमेरिकन इंटरनेशनल ऑटो शो लौट आया। 2020 और 2021 में कोरोना की वजह से इसका आयोजन रद्द कर दिया गया था, लेकिन इस बार इसका आयोजन भव्य तरीके से किया जा रहा है। 25 सितंबर तक चलने वाला ये ऑटो शो को ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध डेट्रॉइट शहर में आयोजित किया जा रहा है। शो के शुरुआत के पहले दिन खुद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन डेट्रॉइट पहुंचे। राष्ट्रपति ने अलग अलग कंपनियों के स्टॉल का जायजा लिया और उनके कर्मचारियों और सीईओ से मुलाकात की। इस दौरान बाइडेन ने एक नई इलेक्ट्रिक एसयूवी पर भी हाथ आजमाया। राष्ट्रपति ने इस कार को खुद ड्राइव कर इसकी खूबियों के बारे में जानकारी हासिल की। बाइडेन यहाँ इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करते हुए नजर आए। उन्होंने इसके उत्पादन में तेजी लाने के लिए कहा कि हमारी सरकार कंपनियों को हर तरह की मदद देने को तैयार है। बाइडेन ने 35 राज्यों में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जर लगाने के लिए $7.5 बिलियन की मदद की घोषणा की। इसके तहत 53,000 किलोमीटर के लंबे हाईवे पर चार्जिंग स्टेशन बनाया जाएगा। इस शो में जनरल मोटर्स, फोर्ड, हमर, शेवरले जैसी कार इंडस्ट्री की दिग्गज कंपनियां हिस्सा ले रही है। पहले दिन शेवरले ने दो नए इलेक्ट्रिक मॉडल 2024 चेवी ब्लेजर एसयूवी और 2024 चेवी इक्विनॉक्स कॉम्पैक्ट को दुनिया के सामने पेश किया। आने वाले दिनों में कई कंपनियां अपनी नई गाड़ियों को इस ऑटो शो में लॉन्च करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तक।